वैलेंटाइंस वीक, वैलेंटाइंस वीक आ चुका है, 7 तारीख कब से होता है? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी 3-3 तुम्हें पता होगा अच्छे से। नहीं नहीं हम लोग दे के चल देखते हैं, ठीक है आ गए थे। वो वैलेंटाइन वीक में ना एक्स्ट्रा क्लासेस जो चलता है ना, चलना चाहिए भाई, क्योंकि बजरंग दल बाहर तो चलने दे नहीं रहे, यहाँ तुम जाके गण मार ले रहे हो, इसके लिए तो तुम हो नहीं, है ना। तो अब समझो कि होता क्या है, वैलेंटाइन वीक होता है, लोग जो है 7 डेज होते हैं ना, कितने 7-8 डेज। अब लड़कों का संघर्ष देखो, परिश्रम कैसे चल रहा है, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, फक डे, मेहनत फक डे के लिए चल रही है, कोई टेडी डे फेडी नहीं, अच्छा सॉरी वैलेंटाइन डे कहते हैं उसे, बट अल्टीमेट वो होता फक डे है, क्लियर है। तो अब बॉलीवुड सॉन्ग्स लव में कैसे हैं और भोजपुरी में कैसे हैं, भोजपुरी वालों का फंडा क्लियर है, एकदम साफ बताना है। बॉलीवुड सॉन्ग, हम तुम एक कमरे में बंद हो, कंफ्यूजिंग है ना, भोजपुरी, पिया दिया बुझा के क्या क्या किया, क्लियर है, उतना तेला बेला नहीं कि भाई कंफ्यूज करना है। बॉलीवुड, हम दिल दे चुके सनम, आ जाइए भोजपुरी, ए राजा 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 करे जा में समाजा, उठा ले तनी बहिया बहिया में कसी के सैया, मारेला सटा सट सट, क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना, कचा कच, लड़का रिलेट कर रहा, पूरा कर रहा है वो, ये देखिए ये ऑडियंस ये सुना है, क्लियर है। तो क्लियर है, यहाँ पर ना भोजपुरी वाले उतना टाइम बर्बाद नहीं करते कि नहीं भाई उतना कंफ्यूजन में नहीं रखना, हम क्लियर वर्ड वर्ड। अगर आप सावधान इंडिया देखें, सावधान इंडिया, सावधान इंडिया कैसे बताते, प्रेजेंट कैसे करेंगे चीजों को, देवर संग भागी भाभी, भोजपुरी कैसे कहते हैं, देवरवा धोड़ी चटना, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो वहां पर भागी, भागने के बाद का स्टोरी नहीं बता रहे, बस भागी भागी क्यों, भोजपुरी वाले बता रहे, देवरवा धोड़ी चटना। तो इस तरीके की चीजें चल रही। अब वैलेंटाइन वीक को अगर नाना पाटेकर आ जाए, नाना पाटेकर, अब नाना पाटेकर जो है आप लोगों को पता है किस तरीके के एक्टर, फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा है इधर इधर, ये वैलेंटाइन क्या होता है, यंगस्टर से पूछा जा रहा है, यंगस्टर आप वैलेंटाइन नहीं जानते क्या होता है, यहाँ एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहे हो तुम, वैलेंटाइन बना रहे, अच्छा इधर। तो वैलेंटाइन वीक स्पेशली उन लोगों के लिए है ना जिनकी गर्लफ्रेंड होती है, और जिनकी नहीं होती है वो होते हैं बजरंग दल वाले, जैसे हम सिंगल लोग बजरंग दल में। बजरंग दल वालों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बचपन में होता था ना एक लड़का जिसका बैट होता था, वो बैट लेके जाता था, उसका कहना था ना खेलेंगे ना खेले देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। तो बजरंग दल वाले लोग वही हैं, उनकी बन रही नहीं है तो बेटा तुम्हारी भी हम होने नहीं देंगे, क्लियर है ना। तो ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बजरंग मनोवर फारूकी नहीं बनना है मेरे को, जेल नहीं जाना है, नो पॉलिटिकल जोक, हम नीतीश कुमार हैं, समझ में आया आपको, हम सबके हैं, क्लियर है ना, हम सबके हैं। तो अभी अभी मनोवर फारूकी देखा आपने, मनोवर फारूकी बिग बॉस 17 जीता था, साला मेरे से लड़की नहीं पट रही, मर गई नहीं अभी, उसके पास क्या है ना, मतलब आयशा नाजिला मनारा साला आए जा रही, उसके पास बजरंग दल नहीं पहुंच रहा, हमारे यहाँ पर बजरंग दल आ रहा। लेकिन बिहार में सही है, बिहार में आप लोग जो करना है खुलेआम कर सकते हो, है ना। कुम्हरार गया आप, कुम्हरार कुम्हरार पार्क देखा, सस्ता हो यो और आप लोग को IGMS देखा, IGMS ओयो नहीं जाना, ओयो 700-800 बजट फ्रेंडली आप तो है नहीं, सब कंगाल ऑडियंस है। तो करना क्या है, IGMS फ्री में गोंडम, कुम्हरार इज योर ओयो, एक कंबल ले जाना, ठंड का मौसम है पड़े रहना कहीं पे भी, वहां वो वहां रिलेट करेंगे वो लोग जो कुम्हरार जाके आ चुके हैं। अच्छा लड़के सपने दिखाते हैं लड़कियों को, बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ताड़े तोड़ के लिया हूँ, नहीं जो इसरो जा नहीं पा रहा है, 3 बार चंद्रयान फेल हुआ, 3री बार सही हुआ, तू साला कहाँ से जाएगा बे, इतना तरक्की, मतलब झूठे वादे, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम लोग ना मकान बनाएंगे, मकान लेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। अब मकान कहाँ ले रहे हैं, और मकान जो बेच रहे हैं उनको देखिएगा, पटना में जो लोग जमीन सर्च कर रहे हैं ना उनको जो रियल एस्टेट वाले चूतिया बना रहे हैं, उससे ज्यादा चूतिया कोई नहीं बना रहा है बेटा,
ड्रीम सिटी। तो अब तक अगर आपका अपना मकान नहीं है तो एक हो सपने का घर अपना इन बिहटा। अच्छा वहां पर नाम आप बिहटा जाएंगे ना, जैसे आप बिहटा जाना स्टार्ट होंगे, रियल एस्टेट वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, उसमें दो मॉडल हैं और उसकी पत्नी ऐसे अपना घर। मैं गया किसी के साथ कि चल भाई देखते हैं तुझे लेना है। वो जो होर्डिंग पे ऐसे मॉडल मैं समझ रहा था, वहां जाके पता वही लोग रियल एस्टेट के जो है उन्हीं का जमीन है। मॉडल उनसे हायर नहीं हो रहे, खुद को ही अपना घर, सपनों का घर। अब वहां पर लोगों ने बोला ठीक है ठीक है। अब उसके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो जमीन की वैल्यू कितनी अच्छे से बढ़ा रहे हैं कि यहां लेना फायदेमंद क्यों है, उसको समझिए। अभी एयरपोर्ट आने वाला, इधर अब भी आएगा एयरपोर्ट, बिल पास है, ओके ठीक है। जैसे आप इधर से जाओगे, ये जो आप देख रहे हो ये यहां से फ्लाईओवर जो जाएगा डायरेक्ट कनेक्टिंग पटना जंक्शन विद इन 20 मिनट्स, यू नो 20 मिनट्स में आप पटना जंक्शन जाओगे। इतना डेवलप होने जा, अभी मेट्रो आ रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये आ रहा है वो आ रहा है। और जो वहां पर आपको होर्डिंग दिख रहे हैं एयरपोर्ट आने वाला है, वो कैसे लग रहा है देखिए। किसी ने प्रभावित होकर के कि भाई मैक्स आ रहा है, ये आ रहा है, पनाश ने ये जगह ले लिया, प्रभावित होकर लोग जमीन ले लिए। आफ्टर 7 ईयर मैं फिर से गया, अभी रिसेंटली मैंने पूछा वहां जो एक चचा थे उनसे, उनके बच्चे से, कि चचा जो थे वो बता रहे थे कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाले चचा कहाँ हैं। तो चचा तो टेक ऑफ कर गए, अभी तक एयरपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? पास है, बिल पास है, चचा टेक ऑफ कर चुके हैं। उसके बाद वो बोर्ड लगा कौन रहा है, उनका भी बेटा यही बोल रहा है कि आपको भी ले लेना चाहिए, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है। मैंने पूछा क्या डेवलपमेंट है, कैसे माने? आइए चलते हैं लेके दिखाते हैं आपको, सब पास हो चुका है, बस होने ही वाला, यूं 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में। हम गए, हमको वहां दिखाया गया वेलकम टू पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा ये बोर्ड किसने लगाया है? ये रियल एस्टेट सपनों का घर। 7 साल गुजर गए अभी तक नहीं है। आपको लगता है आएगा? आपको लगता है आएगा? आएगा, उम्मीद है, उम्मीद है। तुम पक्का उस सेल्समैन के पास जा रहे हो, कतई नहीं जाओ, कोई फायदा नहीं है, जहाना बाद में जमीन ले लो ज्यादा अच्छा, 4 लाइन तो बन रहा है, प्रगति पे तो है, क्लियर है? नहीं मिली तो उठा के ले आना। बेटा क्या है, बेटा जमीन लिया तो कहां है आप, ड्रीम सिटी इन पटना। इनके पास वो सेल्स पर्सन नहीं पहुंचा है। बिहटा की जमीन कैसे बिक्री है? सेल्स पर्सन बहुत है। आप बिहटा से? डेवलपमेंट सपना खयाली पुलाव खयाली पुलाव हरियाली अच्छा लगता है ना, खुली हवा आती है, खेतों में जाने की आदत अभी भी है। मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान भी चला रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट करिए हम करवाएंगे, शौचालय मिल जाएगा आपको। अभी भी खुले में जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।